अगर आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जैसे मैं खड़ा हूँ, आपके पैरों पे फुटबॉल है, आपको पता नहीं बॉल किस तरह पास करूँ मैं या किस तरह बॉल गोल तक जाएगी, गोल कैसे होगा, मेरे पास बॉल ना आ जाए, अगर मेरे पास बॉल आ जाएगी तो मैं इस बॉल के साथ करूँगा क्या, कैसे शूट लूँगा, लेफ्ट पैर से लूँ, राइट पैर से लूँ, कैसे प्लेयर को पीछे पास करूँ या आगे पास करूँ। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। देखो मैं आपको बताऊँगा हाउ डू यू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल। आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स जो कि बेसिकली फुटबॉल है, इसके अलावा कोई और फुटबॉल है नहीं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे जितने भी आप बड़े प्लेयर्स को जानते हो, चाहे वो एम्बापे हो, नेमार हो, मेसी, इनिएस्टा, बेकहम, रोनाल्डिनो, जिडान, जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, उन सब प्लेयर्स को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आती है। दे माइट नॉट बी वेरी गुड विद द स्किल सेट, बट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह उन्हें आती है। दैट्स व्हाई इट्स द रीज़न वो इतने बड़े हैं। सो मैं भी सेम चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज। एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। जितनी भी सारी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इट सम्स अप फुटबॉल, ठीक है। अब पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है भाई कि बॉल की फिजिक्स समझने में जरूरत। अब ये नहीं कह रहा पेन पेपर लेके बैठो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब करने नहीं कह रहा, बट एक सिंपल एक जजमेंट होना चाहिए आप लोगों के पास। जैसे अब ये फुटबॉल है, अब मैं फुटबॉल को हवा में फेंकता हूँ यहाँ इस तरह से ऊपर, अब कितना बॉल बाउंस करती है जिस पर्टिकुलर आप सर्फिस के ऊपर खेलते हो, या अगर बॉल को आप अपने पैरों से इस तरह से कुछ टच करते हो तो बॉल कितनी ऊपर आती है, कितना अगर आप इसको दो बार जगल कर लो इस तरह से, तो कितनी सॉफ्टनेस आपको बॉल की फील करनी चाहिए टू लिफ्ट द बॉल अगेन, या आपको कितना हार्ड बॉल को फील करना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक अ शॉट जब आप गोल के ऊपर लेते हो। सो ये सारी चीज़ें बॉल मूव कैसे करते हैं। अब देखो जब बॉल आपके पास आती है ना, तो हमारे हाथ में नहीं कि बॉल कैसे आती है, लेकिन बॉल की मूवमेंट हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बॉल थोड़ी सी स्पिन करता हूँ तो देखो किस तरह ये डायरेक्शन में आ गया, अगर मैं बॉल इस तरह से स्पिन करता हूँ तो ये डायरेक्शन में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें गेम में बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बॉल एक्चुअली मूव कैसे करेगी। अब मैं टर्फ के ऊपर हूँ, तो टर्फ के ऊपर जब मैं बॉल अगर हल्का हल्का कैरी कर रहा हूँ इस तरह से, सो मुझे समझ में आना चाहिए कि कितना प्रेशर मुझे बॉल के ऊपर अप्लाई करना चाहिए टू टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मैं साइडवेज लेके जाना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे कितना प्रेशर चाहिए, आगे अगर मैं स्पीड से लेके जा रहा हूँ तो मुझे कितना प्रेशर चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बॉल की फिजिक्स होती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को बॉल ऊपर हवा में, आप जा रहे हो कंट्रोल करने, ये लो भाई कंट्रोल, कितना दम लगाना है जिससे बॉल आपके पास आए, कितना दम लगाना है कि अगर आप पास करना चाह रहे हो तो कैसे हो। तो ये बॉल की फिजिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बॉल की फिजिक्स समझते कैसे हैं, ठीक है। अब इसके लिए कोई किताब विताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल चीज़ बताता हूँ क्या करो, बॉल के साथ जितने टचेस आप कर सकते हो ना, जितना बॉल को आप छुओगे उससे आपको समझ में आएगा कि बॉल मूव कैसे कर रही है। जोर से उठा के बॉल शूट मार दो सीधा, समझ जाएगी बॉल कितने हार्ड आपको लगती है पैरों के ऊपर। जोर से तेजी से बॉल लेकर दौड़ो गोल की तरफ, समझेगा बॉल कैसे मूव कर रही है, ठीक है। एकदम खींच के पास कर डालो प्लेयर को, तभी आपको समझेगा कि आपका पास करेक्ट है कि नहीं है सिचुएशन के हिसाब से। एकदम प्यारा सा टच लो बॉल को, ताकि आपको समझे कि बॉल की जो टेंडरनेस है, ठीक है, किस तरह से आपको मूव करनी चाहिए बॉल, किस तरह से अगर कोई प्लेयर साइड में खड़ा है तो खींच के देने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक टेंडर पास दे दो, योर गेम इज डन। तो बॉल को जितना टच करोगे, बॉल ऊपर हवा में उछाल दो, तेजी से भागो बॉल की तरफ, कंट्रोल करने की कोशिश करो, नॉर्मल ड्रिल्स, जस्ट बॉल लेके दौड़ो ऑल ओवर द ग्राउंड, बॉल कहीं कभी यहाँ रख दो, कभी यहाँ रख दो, कभी वहाँ रख दो, सब जगह से एक एक शूट लेके देख लो, तब आपको समझेगा कि बॉल मूव करती कैसे। तो जितने टचेस आप फुटबॉल के साथ लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बॉल की फिजिक्स कैसी है। एंड बिलीव मी, जब आप बॉल की फिजिक्स समझ लोगे भाई, आपके लिए 50% फुटबॉल वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ अब बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना तो आप फुटबॉल खेल ही नहीं पाओगे। अब देखो स्किल्स जो होती है फुटबॉल के अंदर, वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें 25 स्किल आनी चाहिए, या बॉल तुम उल्टा घुमा के सीधा पकड़ रहे हो, सीधे घुमा के उल्टे पकड़ रहे हो, तुमने दो गुलाटी करके एक बॉल कैच कर ली, वो सब करने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल चीज़ करने की ज़रूरत है एकदम, विच इज़ लर्न टू पास, शूट एंड स्टॉप द फुटबॉल। ये तीन चीज़ें जो है ना, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर, कोई भी प्लेयर उठा के देख लो, पीपल हु आर नॉट इवन इन द वर्ल्ड, पहले मैराडोना, दीज पीपल न्यू हाउ टू डू दिस वेरी वेल। कोई भी बड़ा प्लेयर उठा के देख लो, कोई भी जाके वीडियो देख लेना, लुक एट द वे दे स्टॉप द फुटबॉल, लुक एट द वे दे शूट एंड पास द फुटबॉल।
अब देखो क्या है ना, मैंने शूट और पासिंग के ऊपर वीडियोस बनाए हुए, तो अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस आपको कार्ड भी चलता रहेगा, सो यू कैन सी देयर एज वेल। बट क्यों मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, पासिंग एक बहुत एसेंशियल चीज़ है फुटबॉल की, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट। शूटिंग भी उतनी एसेंशियल है, बट आई विल एक्सप्लेन यू गाइस व्हाई स्टॉपिंग द फुटबॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब बॉल आपके पास आती है या आप बॉल की तरफ जाते हो, द मोमेंट यू स्टॉप द फुटबॉल एट योर फीट यू गेन कंट्रोल। जब आप बॉल कंट्रोल करोगे ना, तभी जाके भाई बॉल के साथ आप कुछ कर पाओगे, बिना बॉल कंट्रोल किए आप कुछ कर नहीं पाओगे। येस यू सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स डूइंग 10 स्किल्स विद द फुटबॉल टू स्टॉप इट, बट इट्स नॉट अबाउट इट। यही नहीं है, बॉल आ रही है अगर आप सिंपल अपने पैर से भी ऐसे रोक लोगे ना, तो उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है। द गेम इज अबाउट प्लेइंग फुटबॉल टू गो एंड स्कोर अ गोल एंड नॉट अबाउट शोइंग ऑफ अ स्किल। येस इफ यू हैव अ स्किल इट्स गुड, बट इफ यू कांट यूज द स्किल टू यूज इट इन अ गोल, आप उससे गोल नहीं कर सकते भाई, तो फिर कोई उसका मतलब है नहीं करने का। इसलिए भाई शूट करना बहुत करेक्टली आपको आना चाहिए, पास करना, शूट पास आपको आ जाएगा तो भाई आपके लिए 75% फुटबॉल और 50% फिजिक्स में हो गई थी भाई, 25% और ऐड कर दो, 75% फुटबॉल आप कंप्लीटली एक्वायर कर लोगे, क्योंकि बॉल की फिजिक्स समझ ली। अब जब बॉल की फिजिक्स समझ ली तो भाई शूट कैसे करना है, पास कैसे करना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, अभी बॉल रोक के देता हूँ, नहीं अभी नहीं रोकता हूँ, थोड़ा आगे कैरी करके फिर पास करता हूँ, नहीं नहीं यहाँ से अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अब मैं यहाँ से शूट ले लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझते हो ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब शूट और पासिंग आप कैसे अच्छे कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। द ओनली गुड थिंग अबाउट पासिंग एंड शूटिंग इज एक्चुअली कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें, शूट, पास और स्टॉप से आप गेम कंट्रोल कर सकते हो। जब आप गेम कंट्रोल कर सकते हो तो फिर आप सिचुएशंस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज जस्ट बाय अ पास, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गोल जस्ट बाय टेकिंग अ शॉट। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तीन चीज़ें बस, शूट, पास, कंट्रोल। 25 स्किल आपको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, बेसिक पास करना, बेसिक शूट करना और बेसिक बॉल को स्टॉप करना, ये जब तीनों चीज़ें आपको आ जाएंगी लिटरली, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत इजीली बिल्ड हो जाएगा। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड दैट विल मेक यू वेरी एक्टिव एज अ प्लेयर। और ये तीनों चीज़ें तभी होगी जब आप फुटबॉल के अंदर पिच पे जाके खेलो, जितना इन्वॉल्व हो, जितने टचेस लो, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, अकेले में प्रैक्टिस करो या इवन विद फ्रेंड, ये चीज़ तभी डेवलप होती है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल इज गेम सेंस। क्या होता है गेम सेंस? अब देखो फुटबॉल है क्या, 11 लोग एक टीम में, 11 लोग एक टीम में, भाई ये रही फुटबॉल, लो लड़ो और गोल के अंदर डाल दो। अब वो आप कितने इंटेलिजेंटली करते हो, कैसे डालते हो, कितना स्मार्ट आप एक्ट करते हो या कितनी गलती आप करते हो, वो पूरी चीज़ें गेम सेंस होती है। गेम सेंस दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स के पास, सबके पास होती है, चाहे वो डिफरेंट क्यों ना, यस दे कैन बी डिफरेंट वेज, बट वो गेम सेंस एक्यूरेट है और वो आपको दिख जाएगा। अब गेम सेंस डेवलप कैसे किया जाता है, ठीक है, गेम सेंस में क्या होता है, पहले तो आपको एक अपना माइंड, एक ऑब्जर्वेंट माइंड बनाना पड़ेगा, कि गेम को ऑब्जर्व करना सीखो कि बॉल कैसे मूव हो रही है, यहाँ से लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट से सेंटर आ रही है, सेंटर से वापस विंग पे जा रही है, विंग से फिर सीधा गोल की तरफ शॉट लेने की कोशिश कर रही है, या फिर विंग से वापस पीछे आ रही है, पीछे से सेंटर लेके जा रहे हैं, सेंटर से फिर वापस पीछे आ रही है। ये सारे ऑब्जर्व करो चीज़ें, तभी आपका गेम सेंस डेवलप होता है। अब कुछ और चीज़ें भी है जिससे आप कर सकते हो, जितना आप इन्वॉल्व रहते हो गेम के अंदर, जितनी फुटबॉल की रिस्पांसिबिलिटी आप अपने पास लो, अगर कीपर आपको पास करता है, टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फुटबॉल और लेके चलो भाई फुटबॉल आगे, ताकि आपको पता तो चले कि कैसे लेके जाओ मैं बॉल आगे, कैसे मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूँ, तब जाके गेम सेंस डेवलप होता है। देखो गेम सेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर वन बेसिक रीज़न। 15 स्किल नहीं आते ठीक है, गेम सेंस एक स्किल डेवलप कर लोगे ना, यू कैन बीट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, ट्रस्ट मी। जितने भी प्लेयर्स हैं, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एज वेल मेसी हैज द बेस्ट गेम सेंस एवर, ही कैन सी गैप्स, ही कैन डू थिंग्स दैट अदर पीपल डोंट, क्योंकि वो इतना ऑब्जर्वेंट है उस चीज़ को लेके। तो गेम सेंस वैसे ही डेवलप होती है जितना आप इन्वॉल्व रहोगे, इवन व्हेन यू गो एंड फक अप ऑन द ग्राउंड दैट कम्प्लीटली ओके, लेकिन हर एक फक अप, हर एक गलती भी आपके गेम सेंस में कहीं ना कहीं एक ऐड ऑन हमेशा होता ही है। इसलिए गेम सेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम सेंस डेवलप कर लोगे ना, तो अगर आप मे बी आर नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर, चलो लेट्स अज्यूम, लेकिन गेम सेंस जब आपके पास आता है ना, ये जब आपके पास स्किल आती है ना, तो आप 4 प्लेयर्स साथ में बीट कर सकते हो, क्योंकि आपको वो गैप दिख रहा है या आपको वो
एक वे दिख रहा है जहाँ से मैं फुटबॉल सबके बीच में से निकाल लो एंड देन यू कैन गो एंड स्कोर अ गोल. तो ये चीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर गेम सेंस एज वेल, आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मैचेज, आई स्टिल डू, ऐसा नहीं है. बहुत ज़्यादा मैचेज देखता था, समझ में आता था कौन सा प्लेयर कैसे बॉल दिखता है, किस तरह लेके जाता है, डिफेंडर का गेम सेंस कैसा है, मिडफील्डर का गेम सेंस कैसा है, स्ट्राइकर कैसे गेम सेंस चलाता है, गोलकीपर कैसे गेम सेंस अपना रीड करता है. तो वो सारी चीज़ें हो जाती है. एंड आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ फीफा या पेस. फीफा तो आई स्टिल प्ले इट ऑन माई मोबाइल फोन एज वेल. पी एस वी एस सबके पास नहीं होता है, फ़ोन में खेल लेते. बट हाँ, ये सारे गेम्स आप जब खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीज़ें पकड़ता है, और जब आप फील्ड के ऊपर एक्चुअली आते हो तब कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें रेप्लिकेट करने की कोशिश करते ही हो, या कहीं ना कहीं वो आपके मन से चीज़ें निकलती ही हैं. सो हाउ टू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल में ये तीनों चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. याद देखो, पहली चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई वो थी बॉल की फिजिक्स. बॉल को आप समझो 50% गेम आपका यहीं हो जाता है, ठीक है. दूसरी चीज़ जो भाई मैंने आपको बताई, शूट पास एंड लर्न टू स्टॉप द फुटबॉल, ये. और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई गेम सेंस. ये तीनों जब आप बहुत अच्छी तरह मिक्स करते हो एंड ट्राई टू कीप इट सिंपल प्लीज़. फुटबॉल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो. जितना सिंपल आप रखते हो फुटबॉल, उतना ज़्यादा आप बेटर रहते हो. दैट्स वाई यू आर अहेड ऑफ द कर्व फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू do a lot of 15-25 skills with the football. Yes, it's good, but अगर एक skill आपको नहीं आती जो कि है to score it into the net, तो भाई 25 skill का क्या फ़ायदा. आप घूमते रहो बॉल के साथ अकेले and the time runs out and you don't win. So ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह practice कर लेना. मैंने तीनों के लिए आपको एक एक दो तीन solutions बता दी जो आप लोग follow कर सकते हो. जब आप ये तीनों चीज़ें एक्वायर कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, रिजल्ट्स आपको अपने आप नज़र आएंगे. और जब आप फुटबॉल स्टार्ट कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर कंप्लीट एमेटर प्लेयर, इवन बिगिनर पकड़ लो, बिगिनर से भी एक लेवल नीचे पकड़ लो कि आज ये फुटबॉल जो देख रहा है, ये तीनों चीज़ें करो एंड आई प्रोमिस यू, यू विल गेट रिजल्ट. ये मैं नहीं कहता या ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, बट दिस इज़ वॉट तो वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी है. लेजेंड्स करके चले गए, पीपल आर स्टिल डूइंग इट. जो नया टैलेंट आता है वो भी यही करता है. एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू अचीव ये तीनों चीज़ें ही. तो जब आप ये तीनों चीज़ें अचीव कर लोगे, तब आपके लिए जितना बेटर होगा उतना आपका अच्छा गेम निकलेगा. तीनों चीज़ें ना इंटरलिंक्ड है, समझो ये बात को, ठीक है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. जब आप बॉल को समझते हो, बॉल कैसे मूव करती है, उसके बाद आप जाते हो बॉल को शूट करने, पास करने और बॉल को रोकने. जब आप ये दोनों चीज़ें समझ रहे हो, तब आप कोशिश करते हो कि भाई अब गोल में बॉल कैसे डाली जाएगी. तो वो हो जाता है गेम सेंस. बॉल समझना एक चीज़ हो गई, ठीक है. लर्न टू शूट पास एंड स्टॉप द बॉल एक चीज़ हो गई, ठीक है. ये दोनों इंटरलिंक्ड है कम्प्लीटली. आपको ये जब तक समझ में नहीं आएगा, आप ये वाली चीज़ नहीं कर पाओगे. और जब आप ये दोनों चीज़ें समझ लोगे, तो इन दोनों को फुटबॉल में यूज़ करने के लिए यू नीड गेम सेंस. जब आप ये तीनों चीज़ें एक एक लेवल पे एक्वायर कर लेते हो, आई प्रॉमिस यू गाइस, यू विल गेट द रिजल्ट्स. गेम सेंस मेरे हिसाब से इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैंने देखा लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल, नॉट वेरी गुड एट टचेस, बट उनको पता है बॉल कैसे निकालनी है बीच में से. सो येस, यू कैन यूज़ दीज प्लेयर्स यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं. बट हाँ, तीनों चीज़ें जब आप ये करते हो, तब आपके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइस. आई थॉट एक छोटे वीडियोज़ ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज़ आते रहने चाहिए, आप लोग कमेंट्स में भी बोलते रहते हो. सो दिस वॉज जस्ट माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, वट आई टेक फ्रॉम द गेम. सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, बता देना कैसे लगे. अगर आपको एक्चुअली रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे प्लीज़ आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट आई नो यार मुझे भी थोड़ा ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है. लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइज नो द ड्रिल. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो. लाइक करते हो तो एल्गोरिथम में और ऊपर आता है, सो पीपल विल नो कि भाई अपना चैनल है. And a lot of more subscribers will come to the channel. Thankfully to you guys, obviously. Like, share, subscribe. Again, याद दिला रहा हूँ करने के लिए. And see you guys next time.